और अब ये एक अहम खबर आ रही है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत लिखा है, जिसमें बुनियादी हुकूक और लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई के खदशात पर गौर करने का कहा गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समाग्र नुमाइंदा खसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, क्या कहा गया है इस खत में? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत की जानिब से जो तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने सदर को खत भिजवाया था, उसकी कॉपी भी इरसाल की गई है। और अलवी का कहना था कि निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना लाजमी है और लोगों की सियासी वाबस्तियों और वफादारियां बदल जाने पर ऐसे वाकयात तशवीश का बायस है। और सियासी वाबस्तियां रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाकयात पर मीडिया में बहस हुई है। उनका कहना था कि इसी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इल्जाम पर मुश्तमिल खत आपको इरसाल कर रहा हूँ। आइन की आर्टिकल 41 के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और तमाम इदारों समेत शहरियों के हकूक का तहफ़ करने के पाबंद हैं। उनका यह कहना था कि सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह के तौर पर जो जमहूरियत के इतिहाद की इलामत है और तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और आवाम को उन्हें अपना मुंतखब करने का हक है। आजादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इतफाक है और आवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की असल रूह है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान।